टू माई चैनल, कैसे आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं चनिया चोली देखने के लिए, क्योंकि नवरात्रि आने में सिर्फ 8 या 9 दिन बाकी हैं शायद, और बहुत जल्दी से बिक जाती हैं। मतलब रेंट कलेक्शंस दिखते हैं और वहाँ की ज्वेलरीज भी देखते हैं कैसी है। तो चलो चलते हैं, साथ में देखते हैं, और चलो कुछ पसंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, होप सो। तो कौन कौन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है नवरात्रि के लिए, प्लीज़ कमेंट डाउन। और बहुत ही कम व्यूज़ दे रहे हो यार, प्लीज़ थोड़े से व्यूज़ भी दे दो। तो चलो चलते हैं साथ में चनिया चोली देखने के लिए। और आप लोग भी मुझे बता रहा है कि सर नवरात्रि की ना एक अलग ही वाइब होती है सच्ची में। 2 साल में 2 नवरात्रि आती है, और ये वाली नवरात्रि में बहुत ज़्यादा अलग एक्साइटमेंट होती है सच्ची में, क्योंकि इसमें गरबा एंड ऑल होता है, इतना मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। और आज का मौसम इतना मस्त था ना, क्या पता, बहुत मस्त मौसम था। पता नहीं ये गर्मी कहाँ से आ रही है सच में। मौसम बाहर का बहुत अच्छा होता है, पर गर्मी इतनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई मई जून वाली। तो फाइनली हम पहुँच गए थे हमारे डेस्टिनेशन के, और तो यहाँ पर मैं आ गई थी। तो ये है हमारा फर्स्ट चनिया चोली, तो इतना प्यारा लग रहा था ये। सो ये वाइट कलर में था फुल, और इसका ये जो बॉर्डर है वो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस है भाई, 1300 में आपको और क्या मिलेगा। तो मैंने इसे ट्राई भी किया चुन्नी के साथ, देख रहे हो कितना सुंदर पीस लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा था। ये आजकल ट्रेंडिंग में है भाई, इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे सबसे प्यारा, इसके बॉर्डर्स और इसके चुन्नी वगैरह बहुत ही अच्छी लग रही थी सच्ची में। तो यू कैन ट्राई दिस वाइट कलर में। उसके बाद मैंने देखा ये कौड़ियों वाला, जो कि 2024 का सबसे लेटेस्ट है, जिसमें कौड़ी लगी हुई थी, और इतना सुंदर लग रहा था सच्ची बताइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 2800 के आसपास है, बहुत ही प्यारा पीस है ये, एंड इसका ब्लाउज़ है, इसके साथ चुन्नी नहीं है। तो मैं आपको ब्लाउज़ भी दिखा देती हूँ फटाफट से। तो इसका ब्लाउज़ है ये, इतना सुंदर लग रहा है ना, ये वर्क बहुत ही प्यारा लग रहा है सच्ची में, यू कैन ट्राई, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो ये था, जो कि बहुत यूनिक था, इसके ऊपर ऐसा ये कोटी टाइप था, और ये फुल जैसे शरारा टाइप्स नहीं होता, और नीचे लहंगा था और चुन्नी, बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला पीस भी। फिर हमारा आ जाता है ब्लैक पीस भाई, ब्लैक तो कभी पुराना नहीं होता सच्ची में, एवरग्रीन कलर जो होता है ना वो ब्लैक होता है। तो ये थे कुछ लेटेस्ट न्यू कलेक्शन थे। उसके बाद हमारा आ जाता है फाइनली ये चनिया चोली, जो कि होता है ना ट्रेंडिंग ऑलवेज वाला। तो ये जो बहुत ही भारी पीस था, ये वाला भी सच्ची में बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसके मिरर वर्क वगैरह बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, अभी चल रहे हैं हेयर बैंड वगैरह चल रहे हैं हेयर एक्सेसरी के लिए, और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरीज थी सच्ची में, सारे रेंट पर भी आपको मिल जाएगी, और ये परचेजिंग के भी थे, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी बहुत ट्राई करे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर कुछ बैंगल कलेक्शंस थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे सच्ची में। तो ये देख रहे हो आप, कोड़ी वाले बैंगल्स थे, जो कलरफुल वाले भी आते हैं, और आजकल ज़्यादातर क्या चल रहा है, आजकल सबसे ज़्यादा ये जो क्या बोलते हैं इनको, सिल्वर वाले बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये वाले भी बहुत अच्छे लग रहे थे, ये मोर वाले भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, और क्या चाहिए, इतने मस्त लग रहे थे सच्ची में। कलेक्शन तो बहुत अच्छे अच्छे आ चुके हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ये ज्वेलरीज, नेक पीस की कितनी प्यारी लग रही है, ये 3 लेयर की थी और ये कलरफुल वाली थी, मैंने भी कुछ एक दो ट्राई करी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये जो सिक्के वाली है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहनने के बाद वो अलग ही लुक देती है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने एक ट्राई करी थी, मैंने सारी ट्राई नहीं करी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता, तो ये मैंने ट्राई करी जो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे सच्ची में, पर्सनली बहुत ही प्यारी लग रही थी। कैसा लग रहा था आप लोग को भी ज़रूर बताना कमेंट करके, और भूलना नहीं सब्सक्राइब करना। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, अफोर्डेबल प्राइस में भी थी, तो आप लोग भी ज़रूर जाके देखना। उसके बाद मैं इयररिंग्स भी दिखा देती हूँ, तो इयररिंग्स में ये देख रहे हो नए कलेक्शन, कितना सुंदर लग रहे हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये अलग ही ट्रेंड चल चुका है इन सब चीज़ों का, और बहुत ही अच्छा लगता है सच्ची में। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये जो कोड़ी वाला लूप ईयर लूप था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये मोर वाला भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, और सारे जितने भी मैंने देखे ना, सारे बहुत परफेक्ट थे, आप भी जाके ले सकते हो, नवरात्रि वाइब तो एकदम अलग होती ही है। सो ये इयररिंग्स वगैरह सब मैंने देख लिया, अब मैंने आपको दिखाई दिया जो न्यू था। तो अभी हेयर बैंड का ट्रेंडिंग चल रहा है वो कोरियो वाला, और यहाँ पर मैंने सारी जो थी वो सब मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये वाली लहंगा चोली भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये वाइट वाली, आजकल वाइट का भी बहुत अलग ही क्रेज है सच्ची में, और ये भी बहुत प्रिंटेड वाली बहुत अच्छी लग रही थी। तो हम देख के आ गए हैं, और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको कौन सा चनिया चोली अच्छा लगा ज़रूर बताना, और कमेंट भी करना, और जितने भी है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी जल्दी। और नवरात्रि आ रही है तो और ऐसे कलेक्शंस आते रहेंगे, और मैं जल्दी नवरात्रि सीरीज़ भी लेके आऊँगी जिसमें हम लोग 9 दिन 9 डिफरेंट फूड, 9 डिफरेंट हेयर स्टाइल, 9 डिफरेंट मेकअप, सब कुछ 9 दिन वाले चीज़ें जो भी होती है वो हम ज़रूर करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।